पहले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई और अब वही हाल उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी के आदिवासी कार्ड के सामने विपक्ष बेबस नजर आया, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में किसान और जाट कार्ड ने विपक्ष को धूल चटा दी। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार की जीत पहले से तय थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा क्योंकि वो विपक्ष के तौर पर लड़ते हुए दिखना चाहता था, पर अफसोस वो लड़ते हुए भी नहीं दिखा। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 346 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की और राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी एकता धराशायी हो गई। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में 2 साल से भी कम समय बचा है, तब बीजेपी की व्यूहरचना के आगे विपक्ष असहाय नजर आया। इन दोनों चुनावों में विपक्ष जीत से तो दूर था, लेकिन वो अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत तैयारियों का संदेश दे सकता था, पर भाजपा के आदिवासी और किसान कार्ड के आगे विपक्ष असहाय नजर आया। अब इन चुनावों ने भविष्य में विपक्ष में एकता कायम होने की संभावना को करीब करीब खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के नाम पर कई विपक्षी दलों में सहमति बनाने वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में कांग्रेस पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए दूरी बना ली, वो भी तब जब नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति धनखड़ के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते कई बार टीएमसी से टकराव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बसपा, जदयस, टीडीपी, झामुमो जैसी कई विपक्षी दल राजग उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार को इनमें से करीब करीब सभी दलों का साथ मिला, टीएमसी को छोड़कर। हालांकि उसका मतदान में भाग न लेना एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही चला गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने बिना मांगे एनडीए का समर्थन किया। उसका तर्क है कि धनखड़ किसान पुत्र हैं, इसलिए उनका समर्थन किया। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट हुई। जो शिवसेना पहले विपक्ष के साथ थी, उसका बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ चला गया। वहीं चुनाव के अंत तक यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि विपक्षी एकता का दम भरने वाला टीआरएस किसके साथ है। मतदान से एक दिन पहले टीआरएस ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। आखिर सवाल यह उठता है कि जब वो सरकार के साथ नहीं है, तो फिर विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन में देरी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के अपने अपने हित हैं जो आपस में टकराते हैं तथा जिसके चलते वे एकजुट होकर ताकतवर नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार वाईएसआर कांग्रेस और बीजेड ऐसे दल हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई मौकों की तरह वो इस बार भी एनडीए के साथ खड़े रहे। विपक्षी इन्हें अपने साथ नहीं ले पाए। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उम्मीदवार के चयन से लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के कार्य को वो कुशलतापूर्वक अंजाम दे पाने में असफल रही। वहीं अपने उम्मीदवार चयन और उसकी ताबड़तोड़ सफलता के बाद भाजपा की निगाहें विधानसभा चुनाव पर होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में जहां छत्तीसगढ़ और गुजरात में आदिवासियों का बेहद प्रभाव है, जबकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ कुछ सीटों पर जाट बिरादरी, राजस्थान की भी कई सीटों पर इसी बिरादरी का प्रभाव है, भाजपा को निश्चित रूप से फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि भविष्य में भी यही स्थिति जारी रहने के आसार हैं और विपक्ष के पास अब कोई बड़ा और सर्वस्वीकार्य चेहरा मौजूद नहीं है। कांग्रेस विपक्ष को अपने नेतृत्व में एकजुट करने पर अडिग है, तो कई क्षेत्रीय दल इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके उलट तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल कई राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बनने की मुहिम चलाए हुए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के पास इस चुनाव में खुद को मजबूती से पेश करने की ठोस रणनीति नहीं दिखी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर हुआ और एक बार फिर से साबित हुआ कि विपक्ष बटा हुआ है तथा किसी भी चुनाव में उसके लिए एकजुट हो पाना आसान नहीं है। वहीं पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे एम वेंकैया नायडू को 516 मत मिले थे, जो कि कुल मतों 760 का 68% था, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 32% यानी 244 मत मिले थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन यह और भी खराब हो गया। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मान्य मतों का महज 26% यानी 182 मत मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 74% मत हासिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।